रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इस्लामाबाद की मसीही बरादरी ने सानहा सरगोधा में पेश आने वाले वाकया की मजम्मत करते हुए कहा कि इसमें मुलव्वस अफराद को कानून के कुटहरे में लाया जाए और मसीहियों को इंसाफ और तहफ़ फ्राहम किया जाए। इन ख्यालात का इजहार पास्टर सैमसन भट्टी, पास्टर शहबाज सोतरा, तारिक सुल्तान जोशी, वकास भट्टी, सुहेल रोमी, तारिक गोरी, चौधरी आशिक, जावेद जोसफ, कामरान भट्टी, सैमुल बशीर और दीगर ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए किया। बाद हजार रैली निकाली गई जिसमें मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकररी ने कहा कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान बनाने में हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी। आज कुछ लोग इस वाक़े से फ़ायदा उठाकर मसीही बरादरी के लिए मसाइल पैदा करके अमन अमान खराब करना चाहते हैं। ऐसे वाक़ात मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि सानहा सरगोधा, शांति नगर, जोसफ कॉलोनी, सानहा जड़ावाला समेत इन तमाम केसेस का सो मोटो एक्शन लेकर फुल कोर्ट बेंच बनाकर इन तमाम वाकयात का नोटिस लें। जो कोई भी इनमें मुलव्वस है, चाहे वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, जो जो इन वाकयात में मुलव्वस है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे, ताकि सारी सूरतेहाल सामने आए कि इन वाकयात के पीछे कौन मुलव्वस था। इस वाकया में जो लोग मुलव्वस हैं उनको बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज तक जितने भी वाकयात हुए हैं, शांति नगर ले लें, सरगोधे का ताज़ा वाकया ले लें, किसी में भी किसी बंदे को सजा नहीं हुई। मेरी खास तौर पर चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो इसमें सो मोटो लें और फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जितने भी ये वाकयात हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड मंगवाया जाए सुप्रीम कोर्ट में और उस पर डिसीजन किया जाए और उन लोगों को सजाएं दी जाए, ताकि ये चेहरे सामने आ सके कि ये किसी मसीह ने किया है या के जाती रंजिश की बना पर ये वाकयात हो रहे हैं। एक बार फिर मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि आज तक जितने भी वाकयात हुए उन सब का रिकॉर्ड इंतजामिया से मंगवाया जाए और उस पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसका फैसला किया जाए। तमाम मसीह कौम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यह दरख्वास्त है। तरसा पहले पिंडी की बात की जाए या रेवन रोड की बात की जाए, अगर दोहराना शुरू करें तो शायद घंटे, मिनट और दिन कम पड़ जाए। मगर मेरी दरख्वास्त भी है और मैं ये कहना चाहता हूं, जो मर्जी कर ले हम तजाज करते रहेंगे। मैं प्रेस क्लबदारों को कहना चाहता हूं, आफरीन है आप पर कि आप पे इतनी जुड़ती हुई कि आप आके एक ही शख्स था रिकॉर्डिंग करता। हम भी पाकिस्तानी हैं, वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी आर बिल्डर ऑफ पाकिस्तान। पंजाब नहीं, पाकिस्तान हमने बनाया है। सफेद झंडे की बात हो रही थी मगर मैं ये कहना चाहूंगा, झंडे को हमने संभाला हुआ है। झंडे को किसने ठाया हुआ? सफेद निशान ने। और प्लीज ब्राय मेहरबानी हमारा ख्याल रखें, हमें मजबूर मत करें कि हम तल्ख जुबान इस्तेमाल कर सकें। हम प्यार की जुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं और जरूर करेंगे, और माशी कत्ल बंद कर दिया जाए और मसीह को एक स्पेस और जगह दी जाए।